राधे राधे मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होगे, मज़े में होगे, खुश भी होगे। तो आज है 17 मार्च और अभी बज रहे हैं शाम के 4। तो पहला वाला जो व्लॉग है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एंड किया है, तो बस मैं काम कर ही रही थी तो मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। और अभी आप देख सकते हैं जो किचन की जो भी अलमारियाँ हैं नीचे की, मैं उनमें से सामान निकाल निकाल कर के रख रही हूँ। और पूरी किचन इतनी ज़्यादा आप देख सकते हैं भर रही है ना सामान से। तो बस ऐसे ही है, जो डिब्बे डिब्बियाँ होते हैं बहुत सारे ना ऐसे भी, जैसे कुकर है और इन सब के जो डिब्बे होते हैं, तो इन सब को ना मैं हल्का सा कपड़ा मैंने गीला कर लिया, उनसे पोंछ पोंछ करके रखती जाऊँगी। और जो बर्तन है उनको पहले ही मैंने साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर भी कुछ बर्तन निकले हैं उनको भी मैं साफ़ करके रख रही हूँ, जैसे कि पीपा है जो स्टील का होता है ना, इसमें कुछ था नहीं, साफ़ ही था, लेकिन फिर भी ऊपर बंद बनना थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिकनाई हो ही जाती है। तो बस उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। अब थोड़ी देर मैं पंखा चला दूँगी यहाँ पर, ताकि जो भी बर्तन अभी मैंने धोए हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएँ। या फिर अगर धूप, अभी तो घर इतनी है नहीं है, लेकिन देखूँगी बाहर रख दूँगी, अगर तब सूख जाएगा तो फिर और भी अच्छा है। तो बस मैं सारे बर्तनों को साफ कर लूँगी। तो बर्तनों को साफ़ करने के बाद में यहाँ पर ना बहुत सारी पॉलीथिन्स हैं, जैसे कि सब्ज़ी आती है या राशन पानी आता है, जो पन्नियाँ होती हैं ना, या फिर ना जैसे कि कुछ भी ख़त्म हो जाता है, चावल है, चीनी है, पैकेट में आ रहे हैं, कुछ भी ख़त्म हो जाता है, तो मैं कभी भी नहीं फेंकती, उनको धो करके रख लेती हूँ, क्योंकि काम आ जाती हैं। तो फिर यहाँ पर ना जो भी सामान मुझे ले करके जाना है, जैसे थोड़ा थोड़ा राशन पानी का हो गया, थोड़ा चावल बचे हैं, थोड़ी दाल बची है, तो मैं उनको डिब्बों में नहीं रख रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो स्पेस है वो भर जाता है। डिब्बों को मैं ऐसे रख रही हूँ, एक डिब्बे में दूसरा रख दिया, इस तरीके से ना कम स्पेस होगा। तो थोड़ा थोड़ा जो भी सामान बचा है मैं उसको इस तरीके से पन्नी में मैंने बांध दिया है, तो 2 पन्नियाँ ऐसे भर गई हैं। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ रूम में, और ये जो टेबल है इस पर भी थोड़ी बहुत जैसे धूल मिट्टी जम ही जाती है, तो वैसे तो साफ़ है, मैं रोज़ाना साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी पैकिंग से पहले मैं सारे सामान को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा डिशवॉश ले लिया है, थोड़ा सा डाल करके गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि प्लास्टिक है तो गीले कपड़े से ही अच्छे से ये साफ़ होगी। तो बस ऐसे ही ना साफ़ कर दूँगी फिर बेड वगैरह को, मतलब जो हमारा सामान है मैं अभी सिर्फ उसे ही साफ़ कर रही हूँ। और जो मतलब घर है, जैसे कि हो गया ना अलमारियाँ हो गई, जो मतलब चढ़े हुए हैं हमें घर में मिले थे, उनको मैं साफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब पैकिंग होगी वैसे भी धूल मिट्टी उड़ेगी तो वो वैसे भी गंदी हो जाएंगे, तो मैं उन्हें बाद में, सारा सामान चला जाएगा उसके बाद मैं घर को क्लीन करके जाऊँगी तभी साफ़ करूँगी। तो जितना भी फर्नीचर जो कि हमारा है, जो कि हम अपने साथ लेकर के जाएंगे, वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद में ये टेबल का
पर बिछाने का जो प्लास्टिक का कवर होता है ना वो है, ये काफ़ी दिन से रखा था तो ये गंदा हो गया है। तो फिर मैं इसको साबुन लगा करके अच्छे से ब्रश से साफ़ कर दे रही हूँ ताकि इसमें जितनी भी गंदगी है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके बाद में इसको सुखा करके इसको भी मैं पैक करके रख दूँगी। तो बस ऐसे ही मैं इसको अच्छे से धो रही हूँ क्योंकि पहले मैंने गीले कपड़े से भी पोंछा था लेकिन ये साफ़ नहीं हुआ। किचन में ही रखा था ये। तो फिर किचन में क्या होता है ना, जैसे अभी तड़का लगा रहे हैं सब्जी में तो तेल लुड़ के जो चिकनाई लग जाती है तो वो इस पर लग गई थी, तो ये साबुन और ब्रश से अच्छे से साफ़ हो गया था। उसके बाद में थोड़ी देर मैंने इसको बाहर ही डाल दिया था, रस्सी से टांग दिया था जैसे कपड़े टांगते हैं, तो इससे जितना भी पानी है वो सूख गया था। उसके बाद में हमने पैक कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।